किया। इस दौरान सांसद शंकर लालवानी ने बताया कि भाजपा पार्टी राजनीति के साथ सामाजिक और धार्मिक आयोजनों को भी अच्छे से मनाते हैं। वहीं भाजपा नगर अध्यक्ष गौरण रणदीवे ने कहा कि बहनों को हम उपहार क्या दें, उनका आशीर्वाद ही हमारे लिए उपहार है। आज हमारी सभी इंदौर नगर की महिला मोर्चे की हमारी सभी बहनों ने आज रक्षा सूत्र बांधा है और मुझे आशीर्वाद भी दिया है। तो हमारा ये बहुत ही पवित्र त्यौहार है। राखी बहन भाई के रिश्ते का एक सबसे पवित्र त्यौहार है, उसी कड़ी में आज हमारे यहाँ ये रक्षाबंधन समारोह है और सभी बहनों ने आशीर्वाद दिया है और मैं वो आशीर्वाद पाके बहुत अभिभूत। और पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी का संगठन में मध्य प्रदेश में चर्चा इसलिए होती है कि कुशाभाऊ ठाकरे जी ने यहाँ पर बहुत सारे कार्यकर्ताओं को गढ़ा है और किस प्रकार संगठन में काम करना, एक दूसरे की बात को समझना, एक दूसरे को साथ में लेके चलना, बहुत सारी बातें हमने सीखी है। तो आज ये वर्ष भर संगठन पर्व के रूप में कार्यक्रम रहेगा, वर्ष भर चलेगा और बहुत सारे कार्यक्रम पार्टी ने तय किए। भोपाल में भी आज कार्यक्रम था, उसको हमने यहाँ पर लाइव देखा। खबर डबरा से है, जहां शहर के प्रसिद्ध प्राचीन देवधनी मंदिर में कृष्ण जन्माष्टमी का आयोजन किया गया। वहीं इस मंदिर को बड़े ही आकर्षक तरीके से सजाया गया था। इस अवसर पर स्वामी रुद्र आदित्यराज महाराज असाला साहब ने विधि विधान से भगवान कृष्ण का पूजन किया, साथ ही महाआरती का आयोजन किया। नन्हे मुन्ने बच्चों ने कृष्ण और राधा स्वरूप धारण किया। बताते चले कि जन्माष्टमी के अवसर पर बड़ी संख्या में भक्त मौजूद रहे। खबर इंदौर से है, जहां सांप्रदायिक दंगा भड़काने वाले चार आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। उनसे पूछताछ शुरू की गई है, उनके मोबाइल को खंगालना शुरू किया गया। आपको बता दें कि चारों आरोपियों में अल्तमत खान के तार पाकिस्तान से जुड़े होने के सबूत मिले हैं। दरअसल आरोपी सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर अलग अलग स्थानों पर दंगा कराने की कोशिश करते हुए नजर आए। पुलिस ने खजुराना से दो, रानीपुरा से एक और कनड़िया से एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस को आरोपियों के पास से कई तरह की आपत्तिजनक सामग्री भी बरामद मिली है। इसमें जो है अभी जो आरोपी हैं, इसमें चारों ये पुलिस के रिमांड में थे और पुलिस इनसे जो है डिटेल पूछताछ किया है। पुलिस ने इनके पास में मोबाइल, इनके चारों के पास में मोबाइल थे, इनके मोबाइल जब्त किए गए हैं। इसमें कुछ कॉल रिकॉर्डिंग्स हैं जिनका एक एक करके सुना जा रहा है जिनको, और इसके अलावा जो इन्होंने व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हैं, व्हाट्सएप ग्रुप का भी एक एक का मैसेज का इसमें अवलोकन किया जा रहा है। इसके अलावा जो इन्होंने पुराना डेटा जो मोबाइल में स्टोर था, जैसे गूगल फोटोज़ में स्टोर हो जाता है, उसको भी रिकवर करके और दिखा जा रहा है। और इसके बाद इसमें एक कंप्लीट पिक्चर क्लियर होगी कि ये जो है इनकी जड़ें कहाँ तक थीं कि और किस तरीके से ये जो है चीज़ों को फैलाने वाले थे, इसको लेकर के है। दूसरा जो जहाँ तक बात इसको लेकर के है कि इनका कनेक्शन कहाँ से है, तो देखिए ये बात हमेशा रही है कि जो दूसरे देश हैं वो हिंदुस्तान की शांति और व्यवस्था पे खतरा पैदा करने की कोशिश करते रहे हैं। और एक जो है वर्ग है जो कि युवाओं को रेडिकलाइज करने का प्रयास करता रहा है, और कभी जो पुलिस है, जो प्रशासन है, इसको लेकर के सख्त है और इनकी कोशिश कभी सफल नहीं होगी। पुलिस अधीक्षक कार्यालय कोंडागांव में पदस्थ उप निरीक्षक संतुराम पोयाम व उप निरीक्षक शेखर लल कश्यप को अधिवार्षिक आयु पूर्ण कर सेवानिवृत्त कर किया गया है। आप बता दें कि संतुराम पोयाम के आरक्षक पद में भर्ती होकर जिला बस्तर बीजापुर कांकेर दंतेवाड़ा व कोंडागांव में विभिन्न थानों में पदस्थ रहे। इसी प्रकार शेखर लाल कश्यप को आरक्षक के पद पर भर्ती होकर बस्तर बिलासपुर नारायणपुर दंतेवाड़ा एवं कोंडागांव के विभिन्न थानों में पदस्थ होकर पूरी ईमानदारी व लगन से कार्यरत रहते हुए अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया, जिन्हें आज स्मृति चिन्ह भेंट कर भावभीनी विदाई दी गई।
धमतरी नगर निगम के सौरित वार्ड में नवागांव की शराब दुकान को स्थानांतरण किए जाने के विरोध में वार्ड वासियों ने पहले शराब की दुकान के सामने फिर कलेक्ट्रेट परिसर पर जमकर प्रदर्शन किया। वार्ड वासियों की मांग है कि शराब दुकान को सौरित वार्ड से हटाकर कहीं और ले जाया जाए। जहां पर शराब दुकान खोली जा रही है उस रोड पर हाई स्कूल है व कॉलेजों का मार्ग है। शराब दुकानों से गुजरकर बच्चों को स्कूल कॉलेज जाना पड़ता है। ऐसे में बच्चों और खासकर छात्राओं के घर पहुंचने तक पालकों में खासा डर रहता है। इस वजह से वार्ड वासियों ने कलेक्टर से मांग की है कि शराब की दुकान को वहां से हटाया जाए। वहाँ पे जो भट्टी खुल रहा है हमारे गांव के पास सोरी और बागतरी के बीच भट्टी खुल रहा है, उसको हमको बंद करवाना है। इसके लिए हम लोग कलेक्टर के पास अपना प्रस्ताव रखा है। अब क्या होगा उसके बारे में देखते हैं। इससे पहले हम लोग दो बार शिकायत किए थे, लेकिन जब कलेक्टर चेंज हुआ ना तो अब ये आए तो ये बोले हैं कि अब समझ के बताता हूँ, मैं देखता हूँ, ऐसा करके बोले हैं। आज हम लोग सोरी जोधापुर डाक बंगला और बागतरी ग्रामवासी आज कलेक्टर महोदय के मिलने के लिए आए हैं, रैली निकाल कर सोरी वार्ड से शराब दुकान भट्टी से, कि जो सोरी वार्ड में शराब दुकान स्थानांतरित किया है नवागांव वार्ड से, तत्काल उसको बंद किया जाए। पूर्व में कलेक्टर जयप्रकाश मौर्य को भी हम लोग निवेदन किए थे तो तत्कालिक रूप से वहां बंद हो गया था, स्थानांतरित नहीं किया था। खबर बेमेतेरा से है जहां मूर्तिकार काफी परेशान है। जिले के मां भद्रकाली मंदिर, श्री राम मंदिर व सिंघोड़ी वार्ड नंबर 13 शीतला मंदिर में भू मूर्तिकार गणेश जी की मूर्ति बनाई है। 10 सितंबर को गणेश जी की मूर्ति को स्थापित किया जाएगा। मूर्तिकारों का कहना है कि पिछले साल की भांति इस वर्ष भी मूर्ति बच ना जाए, क्योंकि पिछले वर्ष कोविड-19 के चलते मूर्तिकारों का बहुत सी मूर्तियां बती हुई, जिससे मूर्तिकारों को काफी नुकसान झेलना पड़ा था। और अगली खबर दुर्ग से है जहां भिलाई के निर्देशक गुलाम हैदर मंसूरी की निर्देशित एन माही फिल्म प्रोडक्शन प्रोड्यूसर मोहित साहू की छत्तीसगढ़ी फिल्म 3 सितंबर को प्रदेश के 13 सिनेमा घरों व मल्टीप्लेक्स में रिलीज की जाएगी। सुपरस्टार दिनेश साहू और मुस्कान साहू की जोड़ीदार दो फिल्म तीजा पोरा के खास मौके पर रिलीज होने जा रही है। BA फर्स्ट ईयर आई लव यू 2 फेमस हुई। जनता बस मैं इतना कहना चाहूँ कि जितना हो सके आप मन नया दुलार दे, खबर की आप मन के नया दुलार ही हमारे ऊपर एक आशीर्वाद होते। कहे जाए तो कलाकार मन पर जनता ही भगवान होती, तो मैं बस आप मन से अपील करूँ हाथ जोड़ के कि जितना ज्यादा हो सके आप मन करो। खबर सुकमा से है जहां आदिवासी युवती से इलाज के नाम पर मेडिकल संचालक द्वारा शारीरिक दुष्कृत करने का मामला सामने आया है। दोरनापाल थाना क्षेत्र के अंतर्गत जय मेडिकल के संचालक NC सरकार ने आदिवासी युवती के साथ मेडिकल में इलाज के दौरान शारीरिक दुष्कृत किया, जिस पर पीड़िता ने परिवार समेत थाना पहुंचकर पूरा मामला पुलिस को बताया है। मेडिकल संचालक के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है, जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। ये दोरनापाल थाना क्षेत्र का मामला है जहाँ पर पीड़िता पास में रहने वाली है और वो डॉक्टर के पास इलाज करने के लिए गई थी, और वहाँ पर उन्होंने डॉक्टर ने बताया कि आप कुछ कमजोरी है और आपको सलाइन चढ़ाने की जरूरत है। सलाइन चढ़ाने के दौरान ही उनके साथ उन्होंने हरकत की और पेनिट्रेशन करने की कोशिश की। इसकी जानकारी वो पीड़िता ने उन्होंने अपने बीवी को दी और परिवार वालों के साथ उन्होंने थाने में जिस पर अपराध पंजीबद्ध किया गया, और हमने आरोपी डॉक्टर को गिरफ्तार कर लिया है और आज उसे हम न्याय रिमांड पर भेजेंगे। जिले के कोटा ब्लॉक में कोलवासरी और लवेली साइडिंग के लिए भूमि अधिग्रहण के लिए प्रचलित कार्रवाई को लेकर मंगलवार को ग्रामीणों ने जमकर हल्ला बोला। बड़ी संख्या में कोटा ब्लॉक के ग्रामीणों ने जनप्रतिनिधियों के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचकर जमकर नारेबाजी की। वहीं जिलाधिकारी को निजी कोलवासरी प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा की जा रही भूमि अधिग्रहण के कार्य को तत्काल रुकवाने का आग्रह भी किया। ग्राम पत्थर और खंगेरी के बीच में महावीर कोलवासरी जो खोली जा रही है उसकी जन सुनवाई जो रखी गई थी वो पूर्णतः नियमों को ताक में रख के रखी गई थी। इसी कड़ी में खरगैनी के सरपंच के द्वारा NOC दी गई थी, जिसमें ग्राम सचिव भोलाराम के द्वारा सरपंच पर दबाव बनाते हुए NOC महावीर कोलवासरी को प्रदान कराई गई। ये भ्रष्टाचार का एक मामला सचिव के मामले में, और कुछ अखबारों में चस्पा की गई थी जानकारी
जो अखबार लोकप्रिय नहीं है। कहने का तात्पर्य यह है कि वो पूरा कृषि क्षेत्र है, वहाँ पर कोलवासरी खोलने का योजनाएं समझ में नहीं आ रहा सरकार की और प्रशासनिक अधिकारी को भी, क्योंकि इंडस्ट्रीज एरिया घोषित नहीं है वो क्षेत्र। दूसरी बात, जनजाति क्षेत्र है, समस्त ग्रामीणों से पहले सहमति लेनी थी, उसके बाद ही एनओसी प्रदान होनी थी। ये पूरा प्रशासनिक षड्यंत्र दिखाई दे रहा है साफ साफ। और कोलवासरी यदि खुलती है या उस पर पुनः जन सुनवाई होती है तो आम आदमी पार्टी जैसे आज ग्रामीण कलेक्टर लेके आई है, मुख्य बार हम जाम करेंगे और सारी जवाबदेही प्रशासन और शासन की होगी। जी क्या है तखतपुर विधानसभा और कोटा विधानसभा की अंतर्गत ग्राम खरगहनी, खरगहना और ये पथर्रा में कोलवासरी बनाई जा रही है, इसकी स्थापना किया जा रहा है महावीर कोलवासरी प्राइवेट लिमिटेड द्वारा। इसी संबंध में दो बार वहाँ पे जन सुनवाई एक पथर्रा में, एक खरगहनी में हो चुका है। दोनों बार वहाँ पे ग्रामीणों ने और सरपंचों ने खुलकर विरोध किया, जिसके कारण उनको वहाँ पे जन सुनवाई निरस्त करनी पड़ी। उसके बाद भी यहाँ पे कोलवासरी की स्थापना के लिए प्रक्रिया प्रदान की गई। कोलवासरी को वो संपूर्ण लॉकडाउन के दौरान दी गई थी, क्योंकि उस समय कहीं भी कुछ भी खुलने का शासन को आर्डर नहीं था, लेकिन यहाँ हमारे ग्राम पंचायत खरगहनी में कोलवासरी को बिना मतलब का एनओसी दे दी गई, जो पूर्णतः हमारे जानकारी के अभाव में दिया गया था, क्योंकि मैं उप सरपंच होने के बावजूद भी मुझे यह जानकारी नहीं थी। बुलेटिन में फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। पचहत्तर साल होने वाले हैं हमें आजादी मिले हुए, पर कुछ चीजें ऐसी हैं जिनसे हम आज तक आजाद नहीं हुए, जैसे सरकारी दफ्तरों की मनमानी से। इन दफ्तरों में खूब धक्के खाए, चक्कर काटे, सिफारिशें लगवाई, कल आना परसों आना चलता ही रहा, पर अब इनसे आजादी मिलेगी, अब ये सब नहीं चलेगा। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने लगा दिया है आरटीओ के ऑफिस पर ताला। अब आप कल और परसों नहीं बल्कि अभी से आरटीओ से जुड़े सारे काम, जैसे लर्नर्स लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यूअल, आरसी ट्रांसफर, ड्यूप्लीकेट आरसी और आरटीओ की सभी सुविधाओं के लिए बस www.transport.delhi.gov.in पर लॉगिन करें या 1076 पर कॉल कर घर बैठे अपने डॉक्यूमेंट्स पाएं। नमस्कार, मैं आपकी क्या सहायता कर सकती हूं? ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आपको 75वें स्वतंत्रता दिवस से आरटीओ की सब परेशानियों से दिल्ली को आजादी, क्योंकि आरटीओ की सभी सेवाएं अब घर बैठे पाएं। के लिए उड़ चला गारों की जमीन पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद बात करेंगे अगली खबर की। कबीरधाम के खैरजुटी खुर्द गांव में ग्राम सभा की आपत्ति के बावजूद तहसीलदार द्वारा मवेशियों की निस्तार एवं गोठान भूमि को कोठवार के नाम से सेवा भूमि के रूप में दर्ज कर दिया गया, जिसकी शिकायत को लेकर सरपंच सहित ग्रामीण अधिक संख्या में कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर कवर्धा विधायक मोहम्मद अकबर से लिखित शिकायत दर्ज करने के लिए पहुंचे। वहीं ग्रामीणों का यह भी कहना है कि पूर्व में नायब तहसीलदार को आवेदन देने के बावजूद तहसीलदार द्वारा उक्त जमीन को कोर्ट द्वार के नाम से सेवा भूमि में दर्शा दिया गया, जिससे हम ग्रामवासी सहमत नहीं है। हमारे ग्राम पंचायत दिल्ली के आशीष ग्राम खजरी खुर्द में शासन की योजना से गौठान वहाँ निर्मित हो चुका है और संचालित है। उसी में के जो जमीन है, गांव वाले लोग के आपत्ति करने के बाद भी कोटवार को उस 1 एकड़ 40 डिसमिल उसके नाम में जमीन दे दिया गया शासन द्वारा। खबर सूरजपुर से है, जहां इस बार कृष्ण जन्माष्टमी बड़े धूमधाम से मनाई गई। मंदिरों में जगरातों और भजन के कार्यक्रम आयोजित की गई। वहीं जिले में कई क्षेत्रों में कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर दही हांडी फोड़ प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया, जिसमें सरगुजा संभाग के अलग अलग जिलों में 14 टीमें शामिल हैं। आपको बता दें कि कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर आयोजित रोमांचक हांडी फोड़ प्रतियोगिता देखने भारी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ भी उमड़ी। जैसा कि सर्वविदित है कि पूरा विश्व कोरोना महामारी के चपेट में था
और यह हमारे बड़े हर्ष और सौभाग्य का विषय है कि अभी जो परिस्थितियां थी और बहुत लंबे समय बाद वाकई कृष्ण जन्माष्टमी उत्सव समिति के द्वारा यहां पर बहुत शानदार तरीके से मटकी फोड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है, जिसमें अच्छी खासी भीड़ है। आप देख रहे हैं पूरे जोश और उत्साह के साथ श्री कृष्ण जन्माष्टमी का यह पर्व आज पूरे देश भर में मनाया जा रहा है। और इस पर्व पर मैं सूरजपुर के नगरवासियों को, जिलेवासियों को, प्रदेशवासियों को, देशवासियों को, सभी को बधाई। और इसी बीच आइए आपको सीधे लिए चलते हैं राजधानी दिल्ली, जहां पर डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया कुछ कह रहे हैं। आपको